हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पीएल अप्रोप्रिएशन स्टार्ट करा था, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक क्लास को एंड किया था। होप सारे बच्चों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। आज फिर से हमने आपके लिए बहुत ही ज़ोरदार टॉपिक लाए हैं, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है बच्चों के बीच में, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक बार वीडियो देख लें पूरा, तो एक ज़र्रा बराबर भी आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रीट कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रीट करना बहुत ही ईजी एंड सरल है, आसान है। आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Interest on drawings is charged only if it is provided in the partnership deed. Interest on drawing उस समय ही चार्ज होगा जब ये partnership deed में बोला गया होगा, otherwise not. अगर partnership deed silent है about interest on drawing, then interest on drawing will not be charged. याद रखिएगा, हमने आपको provision पढ़ाया था section 13 का। section 13 आपको सिर्फ अनुमति देता है, allow करता है दो चीज़ें के लिए। अगर share of profit नहीं है तो आप share of profit equally बांट लो। अगर interest on loan परसेंटेज नहीं दिया हुआ तो इंटरेस्ट ऑन लोन का 6% आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम कर लो। इसके अलावा किसी भी चीज की अनुमति नहीं देता है, किसी भी चीज का परमिशन नहीं देता है, किसी भी चीज को नहीं करने देता है। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग चार्ज करेंगे उसी वक्त जब पार्टनरशिप डीड बोलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का मतलब क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का मतलब है कि अगर आपने बिजनेस से पैसा निकाला है तो जो पार्टनरशिप फर्म है आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जिसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद है, इंटरेस्ट इज नाइदर चार्ज नॉर अलाउड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट ना तो आपसे चार्ज किया जाएगा और ना ही आपको अलाउ किया जाएगा अगर आपने ड्राइंग कैपिटल से किया हो। मतलब ये कि आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया और उस कैपिटल का कुछ हिस्सा आपने निकाल लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो अगर आप ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करिएगा तो आपको इंटरेस्ट ना ही चार्ज होगा और ना ही अलाउ होगा। चार्ज इज अनदर थिंग, अलाउड इज अनदर थिंग। चार्ज का मतलब है कि फर्म आपसे लेगी और अलाउड का मतलब है फर्म आपको देगी। याद रखिएगा, चार्ज का मतलब है फर्म आपको देगी और आपका अलाउड का मतलब है फर्म आपसे लेगी। तो इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द फर्म, सॉरी, इंटरेस्ट इज नाइदर चार्ज नॉर अलाउड ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट ना तो चार्ज होता है ना अलाउड होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल नोट नहीं करिएगा, सिर्फ समझने के लिए है। मान लीजिए आपका ओपनिंग कैपिटल 5 लाख का है। ओपनिंग कैपिटल कितने का है अपना? 5 लाख का है। आपने उसमें से 1 लाख रुपए निकाल लिए। आपने उसमें से क्या करे बाबू? 1 लाख रुपए निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए। आपने जब विड्रॉ किया 5 लाख में से 1 लाख क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। आपने कैपिटल से कुछ पैसे निकाल लिए। कब निकाले? चलिए मान लेते हैं, डेट एक ले लेते हैं, 1 अक्टूबर 2021। हमने 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया। कितना विड्रॉ कर लिया? 1 लाख। मान लेते हैं ये ओपनिंग कैपिटल का ओपनिंग डेट कितना होगा? 1/4/2020। मतलब बिजनेस अपना 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, कैपिटल लेके आए हम 5 लाख का, जिसमें से 1 अक्टूबर 2021 को हमने 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो हमारे पास अब कैपिटल बैलेंस कितना बचेगा बाबू? 4 लाख। ये अपना बैलेंस कैपिटल है, ये अपना बैलेंस कैपिटल है। याद होगा, अगर आपको सिंगल एंट्री सिस्टम याद होता होगा तो हमने उसको ऐसे ही ट्रीट करा था। अब ध्यान देना, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ना चार्ज होगा ना अलाउड होगा अगर ड्राइंग कैपिटल से लीजिएगा आप। तो यहाँ पे आपका कैपिटल है, आपने विड्रॉ किया ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। आपने विड्रॉ किया मतलब इससे पैसा निकाल लिया 1 लाख, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ना ही इंटरेस्ट चार्ज होगा और ना ही आपको इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा, मतलब ना आपसे लिया जाएगा और ना ही आपको दिया जाएगा। प्लीज़ टेल मी गाइज, आपका क्लियर है कि अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा, इंटरेस्ट इज नाइदर चार्ज नॉर अलाउड। ना आपसे फर्म इंटरेस्ट लेगी ना आपको फर्म इंटरेस्ट देगी। प्लीज टेल मी गाइस, आपका पॉइंट नंबर 2 क्लियर है?
पॉइंट नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं. इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द फर्म व्हेन ड्रॉइंग इज मेड बाय अ पार्टनर अगेंस्ट प्रॉफिट. देखो आ गया कि कैपिटल से अगर आप ड्रॉइंग करिएगा तो इंटरेस्ट ना चार्ज होगा ना अलाउड होगा. लेकिन अगर अगर यहाँ पे गलत हो गया था, द कैपिटल लिखा गया था, इसको काट दीजिएगा. इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द फर्म, पेंसिल से काटिएगा, फिर बाद में जब रेक्टिफाई कर लीजिएगा तो पेन से कंफर्म करिएगा. इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द फर्म व्हेन ड्रॉइंग इज मेड बाय अ पार्टनर. इंटरेस्ट चार्ज होगा, फर्म चार्ज करेगी अगर ड्रॉइंग मेड बाय अ पार्टनर, ड्रॉइंग पार्टनर ने किया. सर यहाँ पे भी तो ड्रॉइंग पार्टनर ने किया था, थोड़ा सा धीरज रखिए बच्चा लोग. ड्रॉइंग इज मेड बाय पार्टनर अगेंस्ट प्रॉफिट. ओ माई गॉड, यहाँ पे क्या था? अगेंस्ट कैपिटल, यहाँ पे क्या है? अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनर प्रॉफिट से अगर ड्राइंग करेगी तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा एंड नॉट व्हेन ड्राइंग इज मेड अगेंस्ट कैपिटल. इसी बात को मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि ड्राइंग अगर कैपिटल से हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी नहीं होगा, अलाउड भी नहीं होगा. लेकिन ड्राइंग अगर किससे हो रहा है? प्रॉफिट से हो रहा है. किससे हो रहा है? प्रॉफिट से हो रहा है. एंड नॉट व्हेन ड्राइंग इज मेड अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल से नहीं हो रहा है, कैपिटल से नहीं हो रहा है, प्रॉफिट से हो रहा है. तो इस सिचुएशन में फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से चार्ज करेगी. पॉइंट नंबर थ्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विथ रेफरेंस टू द टाइम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका चार्ज किया जाएगा विथ रेफरेंस टू द टाइम, मतलब आपने कब निकाला और बिजनेस का एंड कितना है, मतलब बिजनेस एंड कब हो रहा है. That is from the date of withdrawal, मतलब जिस दिन आपने drawing किया until the end of the financial year, मतलब जिस दिन आपने drawing करा, आपने जिस दिन भी drawing करा उस दिन से लेकर के अपना financial year end जहां पर हो रहा है उस दिन तक का आपको interest charge करेगा firm. When the rate of interest is given without the word per annum, focus करिएगा. When the rate of interest is given without the word per annum, जब rate of interest without the word per annum दिया रहे तो interest is charged for the whole year. मतलब interest का rate अगर word per annum के बिना है, मतलब per annum word नहीं लिखा हुआ. सर समझाइए थोड़ा, जैसे ऐसा लिखा हुआ, ध्यान दो, interest on drawing is charged at the rate of 6%. बस इतना ही लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 6%. यहाँ पे वर्ड पर अनम दिख रहा आपको कहीं पर? नहीं सर. तो जब वर्ड पर अनम नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द होल ईयर. लेकिन व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विथ द वर्ड पर अनम, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 months. इसी एग्जाम्पल में अगर हम वर्ड पर अनम जोड़ दें, ये लो, पी ए का मतलब होता है पर अनम, तो आपका इंटरेस्ट जो होगा वो 6 months का चार्ज किया जाएगा. व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विथ द वर्ड पर अनम, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 6 months. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ड पर अनम के साथ रहेगा तो इंटरेस्ट 6 months के लिए चार्ज किया जाएगा, नहीं तो फिर होल ईयर के लिए. उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेफिनेशन बताया, ट्रीटमेंट बताया, अब कह रहा है कि बताओ मुझे कैलकुलेशन कैसे करोगे. तो बेसिकली जो कैलकुलेशन करने का तरीका है ना बाबू, डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं. जो मैं बता रहा हूँ एकदम इसी को ही फॉलो करना है और इसी को समझना है, और किसी का कुछ भी ना सुनना है ना समझना है. एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं बताऊंगा, बाकी टीचर्स क्या बताते हैं वो भी गलत नहीं बताते, वो डायरेक्टली आपको बताते, बट मैं पूरा बेस से लेके आ रहा हूँ आपको. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देर आर ब्रॉडली टू मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज पीरियड मेथड. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये बात आपको कोई बताने वाला नहीं है कि हाँ ड्राइंग के दो मेथड्स भी हैं, एक का नाम प्रोडक्ट मेथड और एक का नाम एवरेज पीरियड मेथड है. मेथड वन, प्रोडक्ट मेथड, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विदड्रॉन एट डिफरेंट टाइम पीरियड. जब एक अनइक्वल अमाउंट विदड्रॉ किया जाता है डिफरेंट टाइम पीरियड पे, मतलब सर मतलब कि कुछ भी अमाउंट इक्वल नहीं है, हम जब जब विदड्रॉन कर रहे हैं अमाउंट क्या क्या है अलग अलग है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली बनाते हैं. इन अदर वर्ड्स, व्हेन अमाउंट विदड्रॉन एट डिफरेंट टाइम इज अनइक्वल, जो आपने अमाउंट विदड्रॉ किया डिफरेंट टाइम में अगर वो अनइक्वल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
प्रोडक्ट मेथड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। याद रखिएगा, जब आप जो अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में, डिफरेंट डेट में, वो अमाउंट क्या है? अनइक्वल है। अनइक्वल है सर, अनइक्वल है सर, अनइक्वल है सर का मतलब, अनइक्वल का मतलब समझाता हूँ। मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2020 को, और आपने पहला जो ड्राइंग है आपने किया 1 मई 2021 को 500 रुपये का, फिर 1 जून 2021 को 600 का, 1 जुलाई 2020 को आपने किया 700 का। तो देखिए डिफरेंट डेट है, ये डेट आपका क्या है? डिफरेंट है, और अमाउंट भी क्या है? अनइक्वल है। मतलब डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट डेट, डेट डिफरेंट हो या ना हो, अगर अमाउंट अनइक्वल है, अमाउंट अनइक्वल है मतलब अमाउंट अलग अलग है, डेट भी अलग अलग है, तो आप समझ जाना कि ये प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट होगा। प्लीज़ गाइज आप मुझे बताइए कि आपका क्लियर हो रहा है। मैंने कहा कि अगर अनइक्वल अमाउंट मतलब हर इंस्टॉलमेंट में, या फिर हर टाइम जब भी आप विदड्रॉ कर रहे हो, एक डिफरेंट अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हो, एक अलग ही अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू फॉलो प्रोडक्ट मेथड एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला, या फिर व्हाट इज़ द स्टेप टू कैलकुलेट प्रोडक्ट सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 और 1/365। सर 1/12 क्यों या फिर 1/365 क्यों? मेरा बच्चा लोग, सबसे पहले तुम लोग टोटल ऑफ प्रोडक्ट लोगे, फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी परसेंटेज दिया रहेगा वो लोगे, अब इंटू अगर एक महीना का है तो इंटू 1/12, दो महीना का है तो 2/12, ये मंथ्स का केस में, और डेज का केस में अगर निकालिएगा तो 1/365। बेसिकली डेज का केस में कभी सवाल आने वाला नहीं है, सवाल मंथ्स का केस में होगा, लेकिन जनरल नॉलेज है, हो सकता है एमसीक्यूज में आ सकता, इसलिए मैंने दोनों लिखा है, या तो 1/12 या तो 1/365। 1/12 मंथ्स को, मंथ्स के बेसिस में, 1/365 मंथ्स के बेसिस में। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। एक पार्टनर हैज ड्रॉन द फॉलोइंग सम ऑफ मनी। देखो पहले 1 मई, फिर 1 अगस्त, फिर 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च। डिफरेंट डेट है ना, है ना डिफरेंट डेट है ना? हाँ सर डिफरेंट डेट है। अमाउंट देखो 20,000, 50,000, 20,000, 60,000, 20,000, सर अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट है। आप बोलिएगा सर यहाँ पे 3 का 20,000 है, अबे 3 अलग अलग डेट है वो तो देख ले। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर। आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा जो पार्टनर से आप लोग चार्ज करोगे? तो बच्चा लोग यहाँ पे हमने अभी पढ़ा सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का कैलकुलेशन और प्रोडक्ट मेथड का कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा अलग है। तो हम लोग पहले सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। आप पहले ये देख के समझ लो कि डिफरेंट डेट डिफरेंट अमाउंट मतलब सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड से करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 1 मई 2020 को 20,000 का ड्रॉइंग किया ऑन ₹20,000। कब किया बाबू? 1 मई 2020 को। तो हम लोग इंटरेस्ट कब से देंगे? 1 मई 2020 से। चलिए मई से कहाँ तक जाएंगे? 31 मार्च तक, जहाँ तक अपना ईयर एंड हो जा रहा है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फैब, मार्च। मार्च तक मुझे मिलते हैं 11 मंथ्स। मार्च तक मुझे कितने मंथ्स मिलते हैं? 11 मंथ्स। आप कैलकुलेट कर लो फर्स्ट मई से अपने हाथों पे कैलकुलेट कर लो। मई से लेकर के आप मार्च तक जाओगे तो आपको 11 मंथ्स मिलेगा, मतलब आपको 11 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। मैंने पहले ही कहा था फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फ्रॉम द डेट ऑफ द ड्रॉइंग टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जब टाइम दिया रहेगा तो टाइम के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो यहाँ पे बोला है 1 मई 2020 का कितना है बाबू? 20,000 है। 1 मई 2020 का 20,000, 1 अगस्त 2020 का 50,000। तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन 20,000 फॉर 11 मंथ्स। जल्दी जल्दी अपना वेपन निकालो, हथियार निकालो। हम लोग का वेपन क्या है? हम लोग का हथियार क्या है? हमारा कैलकुलेटर। चलिए फटाफट से अपना वेपन निकालिए और कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 के लिए और कितना मंथ्स के लिए? 11 मंथ्स। कैसे आया 11 मंथ्स? हमने विड्रॉ किया 1 मई को। 1 मई से लेके हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 31 मार्च तक जाएंगे। तो 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने मिले मुझे? 11 मंथ्स मिले। 1 मई से लेके 31 मार्च तक 11 मंथ्स मिले। तो हमको 20,000 का
11 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है, 15% पर एनम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% यहाँ पे रुपीज़ दिया हुआ है। अभी ना हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, फटाफट से कैलकुलेटर लो, यहाँ पे हम दिखा रहे, तुम लोग दिखाना मत। 20,000 लिया कैलकुलेटर में, उसको इंटू करो, कितना परसेंट बोला है, 15% बोला है, 15%, फिर इंटू करिएगा आप, कितना मंथ्स का है, 11 मंथ्स का, 11/12 आप सॉल्व करेंगे तो 2750 आ जाएगा। अब देख लेना, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मेरे पास कैलकुलेटर है भी नहीं, इसलिए आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, 1 अगस्त 2020 को हम 50,000 विड्रॉ कर रहे हैं, 1 अगस्त 2020, प्लीज़ समझिएगा। तो अभी हम लोग कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, 1 अगस्त से कहाँ तक जाएंगे, 31st मार्च तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इट्स 8 मंथ्स। अब देख लेना, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन रुपीज 50,000 फॉर 8 मंथ्स, 50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 15%, आप 15/100 भी लिख सकते हो, 15% भी लिख सकते हो, कितना महीना का देना है, 8/12 मंथ्स का देना है, वेरी गुड। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, 30 सितंबर, अभी हम लोग 30 सितंबर से गिनेंगे, लेकिन 30 सितंबर तो एंड हो गया, मतलब 1 अक्टूबर से गिनेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इट्स 6 मंथ्स, कितने अमाउंट है 30 सितंबर में, 20,000 है सर, ओके, ऑन रुपीज 20,000 फॉर 6 मंथ्स, फिर से लिखेंगे 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है, इंटू 6/12। उसी तरह 31 जनवरी और 31 मार्च को आप कैलकुलेट करना, 31 जनवरी मतलब 31 जनवरी तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, फेब एंड मार्च, मतलब 2 मंथ्स, देखिए यहाँ पे मैंने 2 मंथ्स लिए है, 60,000 इंटू 15%, आप 15% जैसे चाहे लिखें, परसेंटेज का सिंबल दे करके या फिर 100 से डिवाइड करके, इंटू 2/12। उसके बाद 31 मार्च, ये भी 31 मार्च, मतलब 31 मार्च के बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल तो अपना अकाउंटिंग ईयर जाता ही नहीं, अपना अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च के क्लोज हो जाता है, मतलब ये जो लास्ट वाला ड्राइंग है आपका 20,000 का, इसके इसमें आपके पास कोई मंथ्स नहीं है, आपके पास 0 मंथ है, इसलिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 10,750। ये था अपना सिंपल मेथड, जो ज़्यादातर बच्चे इसी को ही फॉलो करते हैं, आसानी से निकल जाता है। अब इसी चीज़ को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, ओके। प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले अमाउंट लिख देना, जो अमाउंट है यहाँ पे 20,000 से लास्ट 20,000, 20,000, अब क्वेश्चन देख लो, 50, 20, 60 एंड 20, हमने नंबर ऑफ मंथ्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, इसमें 11, इसमें 8, इसमें 6, इसमें 20। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से, तो 20,000 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,20,000 कैलकुलेटर में लो, 20,000 × 11, 50,000 × 8, 4 lakhs, 20,000 × 6, 1 lakh, 20,000, 60,000 × 2, 1,20,000, 20,000 × 0, इतिहास गवाह है कि किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो 0 ही आएगा। इस तरह से टोटल अमाउंट आ गया अपना 8,60,000। अभी हम लोग इंटरेस्ट देंगे, तो बच्चा लोग हमने आपको फार्मूला बताया था कुछ देर पहले, वापस से फार्मूला की तरफ लेकर के चलते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 और 1/365। अगर सवाल मंथ्स में है तो 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डेज में है तो 1/365 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना सवाल मंथ्स में है, देख सकते हैं मई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, मार्च, दीज आर मंथ्स बट नॉट डेज। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कितना निकला, 8,60,000। उसके बाद क्या था सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 15%, ये लो 15%। और सवाल मंथ्स में है या डेज में, सर सवाल तो मंथ्स में है, इसलिए हम लोग 1/12 करेंगे और सॉल्व करेंगे 10750, मतलब ये 10,750। आप देख सकते हैं 10,750 सिंपल मेथड से भी आया था, और अपना एंड क्या नाम है, प्रोडक्ट मेथड से भी 10,750 आया। गाइस गाइस प्लीज टेल मी आपका कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एज पर सिंपल और प्रोडक्ट मेथड क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ए पार्टनर ड्रॉज ₹10,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको ये सिंपल मेथड का एग्जांपल नहीं है,
क्योंकि सिंपल मेथड का मतलब है डिफरेंट डेट डिफरेंट अमाउंट। ये नॉर्मल एक ड्राइंग का क्वेश्चन है जो मैंने उठाया है, जो सिंपल मेथड के जैसा ही है, सिंपल मेथड की तरह ही फॉलो होता है। बोला जा रहा है कि ए पार्टनर ड्रॉस ₹10,000 पर मंथ। एक पार्टनर है जो हर महीना में 10,000 ड्रॉइंग कर रहा है अंडर द पार्टनरशिप डेट। पार्टनरशिप डेट में ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट आपको मिलेगा 15% पर मंथ, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी इजी गाइज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हर महीना 10,000 निकालना है, तो साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो, आप 1,20,000 हो जाएगा। ये इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 लिखने का जरूरत नहीं है, 10,000 × 12 1,20,000 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 15% है। साथ में क्या लगा हुआ है? वर्ड पर अनम लगा हुआ है। जब पर अनम लगा हुआ रहेगा तो हम कुछ बोले थे ना बच्चा लोग कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ द वर्ड पर अनम होगा। पॉइंट नंबर 6 जाके पढ़िए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सारे बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट नंबर 6 में जाके देखिए। When rate of interest is given with the word per annum, interest is charged for 6 months. जब rate of interest per annum word के साथ रहेगा तो हम लोग 6 महीने का interest देंगे। तो हमने इसलिए multiply किया 6/12। अपना weapon निकाल के calculate करो, आपका answer होगा 9,000। अपना बच्चों के mind में एक carry आएगा, carry क्या आएगा आइए दिखाते हैं। सर जी आपने जो अभी बताया हमें कुछ देर पहले, उसमें भी तो वर्ड पर अनम दिया हुआ था, फिर आपने उसमें 6/12 क्यों नहीं किया? वही तो मेन चीज़ है, आइए समझते हैं। सर यहाँ पे भी तो वर्ड पर अनम था, तुमने नहीं पूछा, बट मेरा काम है तुम्हें बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे पर अनम है, वहाँ पे भी पर अनम है, वहाँ पे 6 मंथ्स के लिए किया गया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला 1/12 इस्तेमाल किया। इसका रीज़न है कि डेट ऑफ ड्रॉइंग इज गिवन। अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन रहेगा तो पर अनम को आप इग्नोर करेंगे, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन रहेगा तो पर अनम को आप इग्नोर करेंगे, अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ रहेगा क्या करोगे? वर्ड पर अनम को इग्नोर करोगे, क्या करोगे? एकदम फुल्ली इग्नोर, सीन एंड इग्नोर। तो इस तरह यहाँ पे देखो मेरा बच्चा लोग, यहाँ वर्ड पर अनम है बट डेट नहीं दिया हुआ है कि कब ड्रॉइंग किया है। तो हम लोग का अजम्पशन है कि जब वर्ड पर अनम दिया रहेगा तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से अपना आंसर होगा 9,000। हियर मेथड 1 इज कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट मेथड है मेथड 2, जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। ये मेथड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मेथड नॉर्मली लोग रटा देते हैं या फिर बुक में मैथ्स के कैलकुलेशंस की तरह करवा देते हैं। ना मैं आपको रटाने वाला हूँ, ना ही मैं आपको मैथ्स का कैलकुलेशन करवाने वाला हूँ। मैं तो अकाउंट्स का टीचर हूँ, मैं आपको शॉर्टकट वेज बताने वाला हूँ जिससे आपको फार्मूला याद नहीं करना होगा, आपको फार्मूला लर्न करना होगा। सर लर्न और याद तो एक ही होता है। हाँ एक ही होता है, लेकिन याद करने का मतलब रट्टा मारना होता है, लर्न करने का मतलब रट्टा मारना नहीं समझना होता है। ओके आइए, तो एवरेज पीरियड मेथड फॉलो कब होगा? हमने पढ़ा कि सिंपल कब फॉलो होगा, जब डिफरेंट डेट और डिफरेंट टाइम रहेगा। तो एवरेज पीरियड कब फॉलो होगा सर? ये तो और इजी है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। ये मेथड उस वक्त फॉलो होगा जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्रेस होगा। सर क्या बोल रहे हैं? लिखा हुआ यार यूनिफॉर्म का मतलब ड्रेस। नहीं सर हमने तो पढ़ा है यूनिफॉर्म का मतलब सेम, बट मैंने भी तो देखा है यूनिफॉर्म का मतलब तुम लोग का ड्रेस जो तुम स्कूल पहन के जाते हो। नहीं सर वो अलग है ये अलग है, ऑब्वियसली वो अलग है ये अलग है। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, वहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म नहीं था, डिफरेंट था। वहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म नहीं था, डिफरेंट था, बट यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम है, इक्वल है। वहाँ पे अनइक्वल था, यहाँ पे इक्वल है। वहाँ पे डिफरेंट था मतलब अलग था, यहाँ पे यूनिफॉर्म है मतलब सेम है। सेकेंड पॉइंट कहता है द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। ओ माई गॉड, जस्ट द रिवर्स ऑफ सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। वो कहता है कि डेट ऑफ ड्राइंग भी डिफरेंट होगा और आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी डिफरेंट होगा, बट ये कहता है नहीं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी यूनिफॉर्म होगा और डेट ऑफ ड्राइंग भी यूनिफॉर्म होगा। वाओ वेरी गुड। उसके बाद है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे सर? वेरी इजी, टोटल ड्राइंग जो भी ड्राइंग होगा उसको लीजिएगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूला है, देख लो तुम। अभी मैं फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं, मैंने पहले का समझा दूंगा, फिलहाल देख लो, देखने में तो कुछ जाता नहीं, फॉर्मूला देख लो। तो हमने देख लिया फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड मेथड के अकॉर्डिंगली। क्या फॉर्मूला है बच्चा लोग, एक बार पढ़िए फटाफट से, पढ़िए पढ़ लिए।
ओके, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, पढ़ो ना यार मेरे साथ पढ़ो, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। ओके चल एग्जाम्पल लेते हैं, फटाफट से समझते हैं। एग्जाम्पल, ए पार्टनर ड्रूज रुपीज 10,000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15%। बने एक पार्टनर है जो हर महीना 10,000 विदड्रॉ करता है, फुल स्टॉप। उसके बाद कैपिटल यू अंडर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इंटरेस्ट चार्ज बोला गया 15% पर एनम करके करने के लिए। कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज टू द पार्टनर इफ ड्रॉइंग आर मेड। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो पार्टनर लोग से चार्ज किया जाएगा अगर ड्रॉइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, इन द मिडल ऑफ इच मंथ, एट द एंड ऑफ इच मंथ। अगर ड्रॉइंग हर महीना का स्टार्टिंग में हुआ हो, अगर ड्रॉइंग हर महीना का एंड में हुआ हो, अगर ड्रॉइंग हर महीना का मिड में हुआ हो, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे चार्ज करोगे। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला देखा मेरा बच्चा लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला देखा, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। टोटल ड्रॉइंग का मतलब ये 10,000 पर महीना, मतलब एक साल का 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब 15% पर एनम, ऐसे याद हो गया। अब बचा क्या, एवरेज पीरियड। यही सीखना है, यही अपने को सीखना है और फुल्ली फोकस्ड होकर सीखना है। आइए हम आपको सिखाने की तरफ लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेरीज माइंड में नहीं रहेगा। चलिए मैं एक और ब्लैंक पेपर लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। सवाल में अपना तीन बातें, बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, मिडल ऑफ इच मंथ, आर द एंड ऑफ इच मंथ, इन तीनों का एवरेज पीरियड बताना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड है। आपको रट्टा नहीं मारना, मैं रट्टा मरवा सकता हूँ बट मैं रट्टा नहीं मारने दूंगा। ओके, तीन बात बोला है, बोला है बिगिनिंग, और दूसरा क्या बोला है देख लेते हैं, मिडिल, और तीसरा क्या बोला है, एंड। चलो इसको समझने से पहले एक बात समझो मेरा, कि हम लोग जो यहाँ पे ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली एक साल का कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ कि कितने साल का बिजनेस है। तो हम लोग बिजनेस को मान के चलेंगे कि बिजनेस एक साल चल रहा है, तो हम मान लेते हैं टेन्योर कितना है, टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है टाइम, टाइम कितना है अपने पास, 12 मंथ्स, टाइम कितना है अपने पास, 12 मंथ्स। इसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 6 मंथ्स। अगर मान लो टेन्योर आपका 10 मंथ्स है, टेन्योर आपका कितना मंथ्स है, 10 मंथ्स है, तो एवरेज पीरियड कितना होगा, 5 मंथ्स, वेरी गुड। अगर आपका टेन्योर 8 मंथ्स है तो एवरेज पीरियड कितना होगा, 4 मंथ्स। अगर आपका टेन्योर 5 मंथ्स है तो एवरेज पीरियड कितना होगा, 2.5 मंथ्स। अगर आपका टेन्योर 6 मंथ्स का है तो आपका टेन्योर कितना होगा, 3 मंथ्स। गाइस प्लीज टेल मी आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक बात समझनी है कि आप जो साल में बिजनेस बना रहे हो वो कितना उसका टेन्योर है, मतलब टाइम पीरियड कितना है। यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया होगा कि कितने साल का बिजनेस है, तो नॉर्मली एक साल का बिजनेस हम लोग करते हैं, तो मान लेते हैं कि एक साल का है, तो एक साल का टेन्योर एवरेज पीरियड कितना होगा, 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड मतलब मिड पॉइंट, अपने को मिड पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, मिड पॉइंट। अपने को पहले टेन्योर चाहिए, टेन्योर का मतलब टाइम चाहिए, तो एक साल का मिड पॉइंट कितना होगा, 6 मंथ्स। 10 मंथ्स का मिड पॉइंट कितना होगा, 5 मंथ्स। 8 मंथ्स का मिड पॉइंट कितना होगा, 4 मंथ्स। और 5 मंथ्स का मिड पॉइंट कितना होगा, 2.5 मंथ्स। 6 मंथ्स का मिड पॉइंट कितना होगा, 3 मंथ्स। समझ में आ रहा ना, मिड पॉइंट का मतलब जैसे मैंने पूछा एक साल का, एक साल का मतलब 12 महीने का मिड पॉइंट कितना होगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट कितना हो गया, 6 मंथ्स। अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि 7 मंथ्स का मिड पॉइंट कितना होगा, तो योर आंसर विल बी 3.5 मंथ्स। गाइस समझ में आ रहा, तो अपने को पहले टेन्योर चाहिए, टेन्योर कितना है, पूरा साल। हमने अज्यूम कर लिया कि ये बिजनेस पूरे साल का है और यहाँ पे फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है पार्टनर्स लोग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पार्टनर्स लोग का ऊपर। तो अभी हम लोग ना सबसे पहले टेन्योर निकालेंगे, टेन्योर हमने माना 12 मंथ्स, टेन्योर हमने कितने माना, 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का मिड पॉइंट कितना है, 6। 10 मंथ्स का मिड पॉइंट कितना है, 5। 8 मंथ्स का मिड पॉइंट कितना है, 4। तो ये सारे मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट्स हमें इसके नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इसके चाहिए 12 मंथ्स का, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि ये बिजनेस पूरे साल के अंदर है। ओके, 12 मंथ्स का अपना टेन्योर है और अपना मिड पॉइंट कितना है, 6 मंथ्स। अब बताओ कि क्या बिगिनिंग में हम 1 मंथ लिख सकते हैं, उसी तरह मिड में 1 मंथ लिख सकता हूँ, उसी तरह एंड में 1 मंथ लिख सकता हूँ। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा बच्चा यहाँ पे देख, बोला इन द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, हर महीना का स्टार्टिंग में, इन द मिडल ऑफ द मंथ, हर महीना का मिड में, एट द एंड ऑफ द मंथ, हर महीना का एंड में। मतलब डिफरेंस कितने महीने का है, हर
पूरे साल में ये लोग पैसा निकाल लें, बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, हर महीना में स्टार्टिंग में निकाल लें, तो इस तरह कितना महीना में निकालेंगे ये, 12 महीना में, हर महीना का स्टार्टिंग में निकालेंगे मतलब 12 महीना तक ये लोग विड्रॉ करेंगे, ड्रॉइंग करेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ इच मंथ का मतलब है कि दोनों के बीच में टाइम गैप कितना है, सर एक एक महीना का गैप है, कितना कितना महीना गैप है मेरा बच्चा लोग, सर एक महीना का गैप है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 मंथ लिखा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। प्लीज़ समझिएगा, हम आपको रटा नहीं रहे, हम आपको समझा रहे, अकाउंट्स के टीचर के होने के नाते अकाउंट्स का शॉर्टकट तरीका बता रहे जो बहुत मुश्किल से आपको कोई बताएगा। प्लीज़ केयरफुली आप देखिएगा, इसको मैथमेटिकली भी मैं एक्सप्रेस कर सकता था, बट मैथमेटिकली थोड़ा लेंदी है, ये आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार आप समझ लोगे तो बार बार समझोगे। इन द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, इन द मिडल ऑफ इच मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, हर महीना का स्टार्टिंग में, हर महीना का मिड में, हर महीना का एंड में, तो इस तरह पूरे साल चलेगा, मतलब टेनियर जितना है अपना, टेनियर का मतलब टाइम पीरियड 12 मंथ्स तक चलेगा। तो हर महीना में जो आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग में फासला कितने महीने का, एक महीने का। मान लो आज 1 जनवरी को ड्राइंग किए, फिर आप कल 1 फेब को करोगे, मैं बिगनिंग की बात कर रहा, आप 1 जनवरी को किए, फिर आप 1 फेब को करोगे, फिर आप 1 मार्च को करोगे, तो हर ड्राइंग में फासला कितने मंथ्स का है, सर एक मंथ का है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 मंथ लिखा। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 0.5। उसी तरह एंड वाले को भी डिवाइड करोगे 2 से 0.5। सर अब 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, प्लीज़ समझो। तो बिगनिंग में 0.5 और एंड में कितना आ गया अपना 0.5। अब हो गया सर खत्म, सर अब क्या कह रहे, खत्म हो गया, हाँ सर अपना मिड पॉइंट कितना निकला था 6 मंथ्स, हम लोग 12 महीने का बना रहे ना, तो अपना मिड पॉइंट कितना निकला था 6 मंथ्स, तो बिगनिंग में 0.5 ऐड करिएगा और एंड में 0.5 लेस करिएगा और मिड में कुछ नहीं करिएगा, मिड में एज इट इज छोड़ दीजिएगा, मतलब मिड में आपको कुछ भी नहीं करना है। प्लीज़ समझिए, बिगनिंग में 0.5 ऐड करिएगा, एंड में 0.5 लेस करिएगा, मिड में कुछ भी नहीं करिएगा। सर ऐड किससे करना है, लेस किससे करना है, ऐड और लेस अपने टेनियर के मिड पॉइंट से करना है। टेनियर कितना है सर अपना, टेनियर मतलब कितने महीने का है सर, 12 महीने का मतलब एक साल का बना रहे, तो टेनियर अपना 12 मंथ्स है, मिड पॉइंट कितना है 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स में 0.5 ऐड करेंगे बिगनिंग के लिए 6.5, 6 मंथ से 0.5 लेस करेंगे एंड के लिए कितना आएगा 5.5, और 6 मंथ्स मिड का एज इट इज़ रहेगा, मतलब मिडिल में कुछ नहीं करना है आपको, बिगनिंग और एंड में करना है। सर आप 0.5 ऐड क्यों कर रहे हो, अभी ना बोला, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। चलिए तो हम लोग अब आते हैं बिगनिंग की तरफ। इन द बिगनिंग ऑफ इच मंथ ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था सर, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन सा चल रहा है सर, बिगनिंग चल रहा है, बिगनिंग चल रहा है मतलब क्या चाहिए तुमको, एवरेज पीरियड। अभी ना हम बताए थे कि जो भी मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट कितना है 6.5, बिगनिंग का लेना है या एंड का लेना है, सर बिगनिंग का लेना है, तो बिगनिंग में 0.5 ऐड होगा या लेस होगा, सर ऐड होगा, तो 6 + 0.5, बिगनिंग का फॉर्मूला हो जाएगा 6.5/12। प्लीज़ टेल मी गाइज, आपको फॉर्मूला लर्न हो गया, आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ा, और आपको फॉर्मूला बनाना भी सीख गए, फॉर्मूला करना भी सीख गए, और सॉल्व करना भी सीख गए। हम लोग यहाँ पे बिगनिंग का करने वाले हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6.5/12। अब सॉल्व कर लेंगे, अपने को देखना है यहाँ पे ड्राइंग कितना है, 10,000 पर मंथ, साल के 12 महीने हमने माने हैं, तो 10,000 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 15%, ओके, और ये 6.5/12 कहाँ से आया, हमने कैलकुलेट करके निकाला। सॉल्व करिए, 1,20,000 15% इंटू 6.5/12, अपना वेपन निकालो, सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है, इट्स 9750। प्लीज़ गाइस टेल मी डैट कि आपका बिगिनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आपको फॉर्मूला लर्न करना नहीं पड़ा, एकदम आसान है। सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स लेने का, यहाँ पे बोला 10,000 पर मंथ है, तो एक साल में कितने महीने हैं, 12 महीने, तो 10,000 × 12, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं सर 15%, अभी क्या चाहिए, एवरेज पीरियड चाहिए सर, तो एवरेज पीरियड तो अभी निकालना सिखाए हम, यहाँ पे दिखाया मैंने, एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है, सारे चीज़ों को डिवाइड करना 2 से, एवरेज का मतलब ही कि 2 से डिवाइड कर देना है, तो उसी तरह यहाँ पे मेरा पीरियड था 1, मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, मेरा एवरेज निकल गया। तो याद रखना, जो टेनियर रहेगा, जो टाइम रहेगा, उसको बिगिनिंग में ऐड करिएगा और एंड में लेस करिएगा, मिड में कुछ
मत करिएगा। अब सवाल है, बिगनिंग का वैल्यू 1, मिड का वैल्यू 1, एंड का वैल्यू भी 1, क्यों ऐसा सर? 1 ही क्यों है? क्योंकि हर महीना का स्टार्टिंग में, हर महीना का एंड में, हर महीना का बीच में, तो फासला कितने दिनों का है सर? एक एक महीने का फासला है, इसलिए 1 1 1 मंथ्स करके लिया गया। ये बिगनिंग ऑफ द मंथ सॉल्व किया हमने। अब पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर मेड इन द मिडिल ऑफ इच मंथ, वही टोटल ड्राइंग्स, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ एवरेज पीरियड चेंज होगा। आइए एवरेज पीरियड समझते हैं। 10 ईयर कितना है अपना सर? 6 मंथ्स है। 10 ईयर मतलब टाइम कितना है? 6 मंथ्स है। मिड के लिए क्या बोला गया सर? मिड के लिए कुछ भी नहीं बोला गया, मिड को तो छेड़ना ही नहीं। जितना 10 ईयर है वही लिख देना है, सॉरी जितना 10 ईयर है वही लिख देना है, जितना 10 ईयर है वही लिख देना है। तो 10 ईयर कितना है सर? 6 मंथ्स है। मिड में कुछ करने नहीं बोला गया, कुछ करना ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? 6/12 आके यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कुछ करना नहीं है, तो कुछ नहीं करना मतलब अपने पास सिर्फ 6 है, ना ऐड करने के कुछ है, ना लेस करने के कुछ है, इसलिए हम इस 6 को एज इट इज बैठा देंगे। तो यहाँ पे 6/12 हो गया। सॉल्व करना, टोटल ड्राइंग्स मतलब 10,000 × 12 पर मंथ करके निकाल ले ना, तो 10,000 × 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, 6/12 हमने कैलकुलेट करके निकाला। सॉल्व करिएगा, आपका 9,000 आ जाएगा। अब आ गई बारी, ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ इच मंथ। एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा जब तक मैं हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तो देखना, जब तक मैं हूँ टेंशन नहीं लेना, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्ट टैक्स हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। बहुत हेवी समझ में आएगा, बहुत भारी समझ में आएगा, फिर आप आसानी से ही लेके खेल सकोगे। ड्रॉइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ इच मंथ। ओ माई गॉड सर, फॉर्मूला? देर इज नो फार्मूला, वी आर क्रिएटिंग फार्मूला। गाइज वी आर क्रिएटिंग फार्मूला, हमें फार्मूला याद नहीं करना है, फार्मूला हमें याद नहीं करना है। सर आप कितने अच्छे हो, ठीक है ठीक है। आओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5.5/12। सर याद करना नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए, हमको पता है मेरा 10 ईयर कितना है, 6 मंथ्स है सर, 6 मंथ्स है सर, और हेडिंग क्या बोला है सर? एंड ऑफ द मंथ है सर। तो एंड ऑफ द मंथ में क्या करना था सर? एंड में तो माइनस करना था, तो 6 से माइनस करेंगे 0.5, तो कितना आएगा सर? 5.5। ये रहा 5.5/12। सॉल्व कर लीजिए, ड्रॉइंग्स का अमाउंट अपना सेम है, 10,000 × 12 120,000 इंटू 15% इंटू 5.5/12। इस तरह सॉल्व करते करते आंसर विल बी 8,250। ये था अपना बिगनिंग का तरीका। अभी हम लोग एंडिंग की तरफ, सॉरी बिगनिंग मिडिल और एंड हो गया। ये मंथली था, सवाल क्वार्टरली भी आ सकता है। ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ड्रॉइंग इज मेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ओ माई गॉड, वही बिगनिंग है लेकिन मंथ की जगह क्वार्टर को इस्तेमाल किया है, वही मिडिल है लेकिन क्वार्टर है, वही एंड है लेकिन क्वार्टर है। फॉर्मूला विल रिमेन सेम? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, फॉर्मूला सेम नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब आप निकालेंगे, टोटल ड्रॉइंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रहेगा, लेकिन बिगनिंग का फॉर्मूला चेंज होगा, मिडिल का फॉर्मूला चेंज होगा, एंड का फॉर्मूला चेंज होगा, यानी एवरेज पीरियड चेंज होगा। सर एवरेज पीरियड चेंज क्यों होगा? क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, एंड ऑफ द क्वार्टर है, मिडल ऑफ द क्वार्टर है। चलिए क्वार्टर भी सीखते हैं। आइए, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। सबसे पहले मेरे को बताओ कि पीरियड, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ओके, वेरी गुड, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और हर क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? देखो, एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, चार क्वार्टर, एवरी क्वार्टर्स में 3 मंथ्स होंगे, तब ना 12 होगा। एवरी क्वार्टर्स में 3 मंथ्स होंगे, तो इस तरह अपने पास 4 क्वार्टर है और हर क्वार्टर में 3-3 महीना है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हर ड्राइंग 3 महीना का बाद हो रहा है, चाहे वो बिगिन में हो, चाहे वो मिडिल में हो, चाहे वो एंड में हो। तो पता चला कि पीरियड ऑफ जो डिफरेंस, डेट ऑफ जो ड्राइंग है, हर 3 महीना का बाद है, हर 3 महीना में अपना ड्राइंग हो रहा है। वेरी गुड गाइस, ये क्लियर है ना? 3-3 महीना कैसे आया? जैसे यहाँ पर ही 1-1 मंथ्स आया था, कहाँ गया ये जो 1-1 मंथ्स आया था ना, उसी तरह यहाँ पे 3-3 मंथ्स है। सर 3-3 मंथ्स कैसे? हमने बोला एक साल में 4 क्वार्टर। अगर आपको लगता है 5-6 क्वार्टर है तो मेरे को बता देना, मेरे हिसाब से एक साल में 4 क्वार्टर है और हर क्वार्टर में 3 महीने। आपको लगता होएगा नहीं सर साल में इतने क्वार्टर है, जितने भी क्वार्टर है अपना पास रख, मेरे हिसाब से 4 क्वार्टर है, तो लोग के हिसाब से भी 4 क्वार्टर है। यही लिखेगा एग्जाम में, मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखेगा फेल हो जाएगा, सॉरी पास तो ऐसे भी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 4 क्वार्टर है, हर क्वार्टर में कितने महीने? 3 महीने, मतलब हर ड्राइंग का
जो टाइम है हर 3 महीना का बात है, चाहे वो बिगिन में हो, चाहे वो मिड में हो, चाहे वो एंड में हो। तो सबसे पहले क्या चाहिए सर? टेन्योर चाहिए। टेन्योर का मतलब सर टाइम चाहिए। तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कितने साल का निकालना है? नहीं सर, तो मान लो 1 साल का निकालना है। 1 साल का निकालना है मतलब 12 मंथ्स का निकालना है। तो इसका मिड पॉइंट कितना होएगा सर? 6 मंथ्स। ओ माय गॉड, दोनों का सर मिड पॉइंट सेम है। यस, मिड पॉइंट तो सेम होगा ही, क्योंकि दोनों 12 महीने के लिए बन रहा है। अभी आपको यहाँ पे देखना है कि बिगिनिंग का क्या होगा, मिडिल का क्या होगा, एंड का क्या होगा। तो जिस तरह हमने वहाँ पे 1/2 किया था, उसी तरह यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/2। हम जब 3/2 करेंगे तो कितना आएगा गाइस, प्लीज बताइए। 1.5 मे भी देख लेना। अगर इसका 1.5 है तो इसका भी 1.5 होगा। तो बिगनिंग में क्या होगा? ऐड या लेस? सर ऐड होगा सर, वेरी गुड। एंड में क्या होगा सर? लेस होगा सर। सर तो मिड में क्या होगा? सर मिड में कुछ भी नहीं होगा, आपने कहा था मिड में कुछ भी नहीं करना। सर हम मिड में कुछ नहीं करेंगे, वेरी गुड मेरा बच्चा लोग, मिड में हमें कुछ भी नहीं करना है। तो अभी हम लोग देखेंगे अपना टेन्योर कितना, 6.5 में 1.5 ऐड होगा, कितना होगा बिगनिंग का फॉर्मूला? 7.5। यू कैन सी हियर फॉर्मूला इज 7.5/12। सॉल्व कर लो, यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द मंथ में कितना करके निकालना है, एक क्वार्टर में 6000, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6000। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? वहाँ पे महीना में था इसलिए हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्वार्टर में है तो इसलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है देख लेते हैं सर, 10% है। इंटू 10% इंटू 7.5, सर यहाँ पे पर एनम है 6/12 होगा सर, मैंने पहले ही कहा था जब फॉर्मूला है अलग से तो पर एनम का कोई वैल्यू, जब कुछ भी नहीं है, ना डेट है ना फॉर्मूला है, उस सिचुएशन में आपको पर एनम का वैल्यू आएगा। दूसरा बात, पर एनम सिंपल मेथड में, पर एनम वाला जो कॉन्सेप्ट है सिंपल मेथड में, एवरेज पीरियड में पर एनम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एवरेज मेथड कहता है कि हम जो फॉर्मूला बताएंगे उस फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है। और मैंने जो आपको पर एनम वाली बात कही है वो सिंपल मेथड वाला फॉर्मूला है। बच्चों मैंने पहले ही कहा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज वेरी कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ दिस इज नॉट द कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, आप समझो ना बात को। पर एनम यहाँ पे नहीं आएगा। एवरेज पीरियड मेथड में पर एनम का कोई काम नहीं है, पर एनम रहे ना रहे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एवरेज पीरियड का अपना अलग से फॉर्मूला है। अभी हमने पढ़े 6.5, 5.5, अभी 7.5 पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा एवरेज पीरियड में पर एनम पे फोकस नहीं करिएगा, एवरेज पीरियड में पर एनम को इग्नोर करिएगा, लेकिन सिंपल मेथड में आप पर एनम को देखना या कैसे करना है वो आपको मैंने पहले ही समझा दिया है, पहले दिखा दिया है। अगर कन्फ्यूज़न है तो एक बार वापस से वीडियो देखिए, सिंपल मेथड में पर एनम का वैल्यू मतलब कंसिडर होगा, एवरेज पीरियड मेथड में पर एनम का कोई वैल्यू नहीं है। मैं समझता हूँ आप कन्फ्यूज़ हो गए हो, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न को हटाना पड़ेगा। पर एनम का कोई वैल्यू नहीं है, पर एनम का कोई वैल्यू नहीं है, पर एनम का कोई वैल्यू नहीं है एवरेज पीरियड मेथड में। पर एनम का वैल्यू किस में है? सिंपल मेथड में, मैंने आपको सिंपल मेथड में बता दिया है। सॉल्व करिए, वेपन निकालो अपना, 24,000 10% 7.5/12, आंसर विल बी 1500। ये हमने बिगनिंग किया, अभी हम लोग मिडिल करने जा रहे हैं या फिर एंड, जो भी करना है। अब आते हैं, ड्राइंग इज मेड एट द मिडल ऑफ इस क्वार्टर। ओ माई गॉड, मिडल ऑफ इस क्वार्टर। तो सबसे पहले क्या चाहिए? टेन्योर चाहिए। टेन्योर के मिड पॉइंट कितने हैं? 6 मंथ्स। अभी मिडिल में क्या करने का है? मिडिल में कुछ भी नहीं करने का सर, ना ऐड करने का ना लेस करने का। इसका मतलब मिडिल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 6/12। तो आपको देखना है उसने ड्राइंग कितना किया। सर उसने ड्राइंग 9000 करा है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 9000 इंटू 4 36000। सॉल्व करिए, 10% टू 6/12 सॉल्व करिएगा, 1800 आ जाएगा। उसके बाद ड्राइंग इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ रुपीज 6000। तो हम लोग फिर से देखेंगे अपना मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कितने हैं? 6 मंथ्स। और एंड का टाइम कितना निकाला एवरेज? 1.5। ऐड होगा या लेस होगा? सर लेस होगा, 6.5 से 1.5 लेस करिए, आपका आंसर होगा 4.5/12। ओ माय गॉड सर, इतना इजी है? हाँ सर बहुत इजी है। 6000 इंटू 4 24000 इंटू 10% इंटू 4.5/12। आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहीं पे कंप्लीट होता है, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको कंफ्यूजन वर्ड पर एनम का है, तो मेरी बात जहन में डालो कि पर एनम सिंपल मेथड का कॉन्सेप्ट है, पहला बात। दूसरा बात, पर एनम हम उस वक्त देखेंगे जब टाइम ऑफ यानी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया रहेगा। तीसरा बात, पर एनम अगर नहीं है
पर अनम अगर नहीं है तो पूरा साल का ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, अगर पर अनम है तो 6 महीना का ड्रॉइंग देंगे। बस ये चार बात, पहला बात, दूसरा बात, तीसरा बात और ये चौथा, ये चारों बातों को आपको जहन नशी करना है। पहला बात है कि पर अनम का कॉन्सेप्ट सिंपल मेथड में है। दूसरा बात ये है कि अगर पर अनम है और डेट है, मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग है, डेट ऑफ ड्रॉइंग भी दिया हुआ है, पर अनम भी दिया हुआ है, तो पर अनम का कोई वैल्यू नहीं है। डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं है, पर अनम दिया हुआ है, डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं है, पर अनम दिया हुआ है, तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है। चौथा बात, डेट ऑफ ड्रॉइंग भी नहीं है, पर अनम भी नहीं है, तो आपको पूरा का पूरा साल का ड्रॉइंग चार्ज करना है। इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप वापस से वीडियो देखिएगा अगर आपको कन्फ्यूज़न है। और मैंने तो पहले ही कहा है कि वीडियो अपलोड करने के बाद जब हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें जो आपका कन्फ्यूज़न का कीड़ा है ना, निकाल के फेंक देंगे। क्लास या तो जूम या गूगल मीट पे तो होगा ही होगा, जब ये क्लास आपका वीडियो आप देख लोगे, आप लोग वहाँ पे कमेंट करके कंप्लीटेड सर लिख दोगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गूगल मीट या फिर आपका जो भी है उससे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपका जो भी ज़र्रा बराबर कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर कर देंगे। आप लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 6 पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं। आपको पर अनम वर्ड से फोकस नहीं कर कन्फ्यूज़न नहीं होना है अपने आप को, किसी भी कीमत पर अनम से नहीं डरिएगा, कुछ भी हो जाए पर अनम को मार के उल्टा दीजिएगा लेकिन डरिएगा नहीं। आइए, एनालिसिस ऑफ एवरेज पीरियड मेथड। ये जो एवरेज पीरियड मेथड अभी हम लोग सीखे उसको मैंने एक साथ कर दिया एनालिसिस करके, ये ज़रूरी नहीं था बट मैंने कर दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल, एवरेज पीरियड इन मंथ्स, टाइम ऑफ विड्रॉल बिगिनिंग में, मिडल में, मंथ में, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग फॉर ईयर, एक साल में हर महीना में ड्राइंग हो रहा है, हर महीना में ड्राइंग हो रहा है, अगर बिगिनिंग में हो रहा है तो 6.5। कैसे सर 6.5? हम लोग को पता है एक साल की बात की जा रही ना, तो एक साल मतलब 12 महीना, 12 महीना मतलब मिड पॉइंट कितना है 6, अगर बिगिनिंग में है, यहाँ पे देख लो मंथली ड्राइंग है, मंथली ड्राइंग है मतलब 1, 1, 1, बिगिन, मिडिल, एंड, तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 0.5, इसको तो कुछ करना ही नहीं है 0.5। ये अभी मंथली ड्राइंग बिगिनिंग मिडिल और एंड कर रहा हूँ मैं, तो ये अपना टाइम पीरियड है, 10 ईयर है, मिड पॉइंट है, इसमें प्लस करेंगे और इसमें माइनस करेंगे, तो प्लस करेंगे 6.5, माइनस करेंगे 5.5, 6 एज इट इज़। अब आ गया क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब पहले देख लो क्वार्टरली पूरे साल का है, हाँ सर पूरे साल का है, तो मिड पॉइंट विल रिमेन सेम, ये मंथली था, अब यही क्वार्टरली, क्वार्टरली बिगिनिंग मिडिल एंड, हम लोग को मालूम है क्वार्टरली का मतलब 3, 3, 3, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका 1.5, इसका 1.5, ये बिगिनिंग है ऐड होगा, ये एंड है लेस होगा, 6 प्लस 1.5 7.5 और 6 माइनस 1.5 4.5, प्लीज़ टेल मी गाइस क्लियर है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ये आप लोग करिएगा, इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जो कॉन्सेप्ट से हम पढ़ाए हैं उसी कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे एयर एक साल का था इसलिए 12 का 6 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कितने महीने का है 6 महीने का है, तो 6 महीने का कितना होगा 6 बाई 2, 10 ईयर कितना हो जाएगा 3.5, तो इस 3.5 से, सॉरी 6 बाई 2 कितना होगा 3 होगा, अब इस 3 से 0.5 ऐड करिएगा, फिर इस 3 से 0.5 लेस करिएगा, देखिए आप कर पाते हो या नहीं कर पाते, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम आपको जूम पे या फिर क्या नाम है कोई भी एप्लीकेशन से हम आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि अगर आपको ये 10 ईयर वाला मामला समझ में आ गया, अगर मिड पॉइंट अगर निकाल लोगे, मिड पॉइंट अगर निकाल लोगे तो कोई भी सम आसानी से बन सकता है, मिड पॉइंट निकालना आपको मैंने सिखा दिया है, इसलिए ये जो पॉइंट 3 और 4 है सुंदर शब्दों में पेंसिल से लिख दीजिए होमवर्क, सुंदर शब्दों में पेंसिल से लिखिए होमवर्क और समझा करके मुझे बना करके भेजिएगा या फिर क्लास में आंसर दीजिएगा। तो ये जो चार्ट है आपको बहुत काम आने वाला है, संभाल के रखिएगा, ये चार्ट बहुत मुश्किल से मिलता है, आप रटिएगा नहीं फॉर्मूला, मैंने आपको रटाया नहीं है, आपको क्लियर किया है। सो गाइस प्लीज़ नहीं रटिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।